वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिर्फ ये होगा कि बुलेट ट्रेन वहाँ लेके जाएगी, चलेगी, ट्रायल्स होंगी, मजा आ जाएगा, तेजी से होगा। कुछ लोग तो टूरिज्म के लिए जाएंगे बुलेट ट्रेन में देखने के लिए कि कैसा फील होता है। इट विल बी अमेजिंग। मैं तो वंदे भारत में भी इसलिए गई थी। जो बच्चे 2027 में पैदा हुए हैं वो तो बोलेंगे हमारे देश में तो हमेशा बुलेट ट्रेन ही थी। ये तुम लोग किसमें बैठते थे, बैलगाड़ियों में? जो भी नई जनरेशन आती है बैलगाड़ियां मानी रहेंगी। जिसको चीजें नजर आती हैं वो बोलेगा हमारे देश में तो हमेशा मॉल थे। वही तो, हमारे देश में हमेशा मेट्रो थी। तो जो यंगर जनरेशन आ रही है, जो जो फर्स्ट चीज देखती है वो तो कहती है ये तो सदियों से हमारे पास है। तो ऐसा ही, ऐसा नहीं था। मजे की बात है कितनी मेहनत लगी। जो 140 करोड़ भारतीयों ने देखा वह अगले कुछ ही समय में हकीकत बनने वाला है। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आज कवर करेंगे, साथ ही हमारी दूसरी अपडेट रूस को लेकर है, जो भारत के साथ नॉर्थ सी रूट को लेकर बातचीत कर रहा है। समुद्री व्यापार करने का ये मार्ग इतना अच्छा है कि इससे रूस से कोई कार्गो भारत पहुंचने में 50% कम समय लगेगा, और दोनों देशों के बीच में व्यापार काफी तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही ये व्यापार मार्ग फिलहाल मौजूद रास्ते के मुकाबले काफी छोटा है। तो चलिए इन दोनों ही बड़ी अपडेट को डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही हमारे व्लॉग चैनल पर नई वीडियो आ गई है, अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में दिए एक लिंक से हमारे व्लॉग चैनल को भी आप देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस महीने के अंत तक भारत जापान से 6 बुलेट ट्रेन खरीदने की डील फाइनलाइज कर लेगा। जब शुरुआती समय में ये डील चर्चा में थी तब भारत ने जापान से 18 बुलेट ट्रेन लगभग 7000 करोड़ रुपए पर खरीदने का फैसला किया था, लेकिन क्योंकि इस महीने के अंत तक हम 6 बुलेट ट्रेन खरीदने वाले हैं, इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक बुलेट ट्रेन की कीमत 380 से लेकर 400 करोड़ रुपए की आएगी, जिसका मतलब 6 बुलेट ट्रेन के लिए हम लगभग 2400 करोड़ रुपए देंगे। बता दें, भारत में बुलेट ट्रेन को ऑपरेट करने की योजना काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब इसमें ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बता दें, भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर मुंबई के रास्ते पर चलाई जाएगी, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बिजनेस काफी तेजी से बढ़ेगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि बुलेट ट्रेन के आने से भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग तो लगा ही रहा है, साथ ही फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से कई बड़ी इंडस्ट्री और बिजनेस को फायदा मिलेगा। कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन, अहमदाबाद के बीच अप डाउन करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। दोनों बड़े शहरों के बीच ये बुलेट ट्रेन का रूट 508 किलोमीटर लंबा है, जो तैयार होने के बाद सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में ही आप मुंबई से अहमदाबाद जा सकेंगे। हर घंटे रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से भी बुलेट ट्रेन आपको मिलेगी, जिससे आप दोनों शहर के बीच आवाजाही कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक दिन में यह बुलेट ट्रेन 70 बार सर्विस ऑफर करेगी, जिसमें 35 बार मुंबई और 35 बार अहमदाबाद के लिए ट्रेन अवेलेबल होगी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भारत बुलेट ट्रेन को अपने देश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम के तौर पर विकसित कर रहा है, जिससे इंटरसिटी कनेक्टिविटी को इतनी मजबूती मिलेगी जितना कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बुलेट ट्रेन तो एक बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है और इसे बनाने के लिए 508 किलोमीटर लंबे रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कई हजार करोड़ रुपए का खर्च आया होगा, तो आखिर इसका बजट कितना है? बता दें, भारत ने 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन रूट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया था, जिसकी 80% फाइनेंस की जरूरत हमें जापान उपलब्ध करा रहा है। जापान की तरफ से भारत को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, वह भी सिर्फ
0.1% के ब्याज पर, और ये लोन भी हमें अगले 10 या 20 साल में नहीं बल्कि 50 से लेकर 60 साल में आराम से चुकाना होगा। इसका मतलब भारत में मौजूद बुलेट ट्रेन से जो भी प्रॉफिट हमें होगा उसका इस्तेमाल करके हम अपना लोन चुका सकते हैं, और 50 से 60 साल बाद ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का हो जाएगा, जो बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजना को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी। फिर हमें ये भी सब सही रहता है तो मुंबई से अहमदाबाद के लिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन को जुलाई 2026 में शुरू होता देख सकते हैं, और ये हम सभी के लिए काफी गर्व का पल होगा। फिलहाल की तरफ जो रूस जुड़ी हुई है, दरअसल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत और रूस के बीच में नॉर्थ सी ट्रेड रूट को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके तहत रूस भारत और दूसरे देशों तक अपना कार्गो पहुंचाने के लिए नॉर्थन कोस्ट लाइन पे मौजूद बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा। इससे नए व्यापार मार्ग की दूरी 50% तक कम हो सकती है। फिलहाल रूस से भारत तक सामान लाने का रास्ता 21,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें ईस्ट वेस्टर्न ट्रांसिट रूट का इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्थ सी रूट से ये रास्ता सिर्फ 13,000 ट्रेन होंगी। पहले करते 6 या 7 का स्टेजेस में आएंगे, बननी पड़ती है, आ रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया कर रहा है। सिर्फ ये होगा कि बुलेट ट्रेन वहाँ लेके जाएगी, चलेगी, ट्रायल्स होंगी, मज़ा आ जाएगा, तेज़ी से होगा। कुछ लोग तो टूरिज्म के लिए जाएंगे बुलेट ट्रेन में देखने के लिए कि कैसा फील होता है। इट विल बी अमेजिंग। मैं तो वंदे भारत में भी इसलिए गई थी। जो बच्चे 2027 में पैदा हुए हैं वो तो बोलेंगे हमारे देश में तो हमेशा बुलेट ट्रेन ही थी। ये तुम लोग किसमें बैठते थे, बैलगाड़ियों में? जो भी नई जनरेशन आती है बैलगाड़ियां मानी रहेंगी। जिसको चीजें नजर आती हैं वो बोलेगा हमारे देश में तो हमेशा मॉल थे। वही तो, हमारे देश में हमेशा मेट्रो थी। तो जो यंगर जनरेशन आ रही है, जो फर्स्ट चीज देखती है वो तो कहती है ये तो सदियों से हमारे पास है। तो ऐसा ही, ऐसा नहीं था। मजे की बात है कितनी मेहनत लग रही है इन सब चीजों को करने और में। कितनी इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट क्यों लग रही है, इतनी सारी क्यों लग रही है? क्योंकि करप्शन खत्म कर दी मोदी जी ने, बीजेपी ने, और जिस तरह से करप्शन खत्म हुई है उससे जितना पैसा आ रहा है वो सारा देखो देश को आगे बढ़ाने में आ रहा है, लग रहा है सारा। अब जैसे हम लोग हैं, हम यूएसए से इंडिया जाएंगे फॉरेन कंट्री देखने के लिए, इंडिया फॉरेन कंट्री है बुलेट ट्रेन देखने के लिए। यहाँ तो जीरो है। अब जैसे पहले क्या होता था, इंडिया से लोग आते थे यूएसए, भाई हम फॉरेन कंट्री से इंडिया जाएंगे, गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।